सैरा हॉस्पिटल में मैक्स से मिलने आती है। एक लेडी उसे पहचान लेती है कि उसका नाम सैरा है और उसे बताती है कि तुम्हारी मम्मी यहाँ पर एडमिट थी और उसे पेपर्स भी दिखाती है। वे कहती है कि ये तो मैं ही हूँ। वह अपनी मॉम को कॉल करती है पर फोन किलर्स के पास होता है। वे लोग उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। गंगसियोन में से अपना हाथ दोबारा कटना करने के लिए कहता है। सियोन में कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। गंग कहता है कि मुझे पता है, इसलिए अगर मैं तुम्हारी वजह से मर भी गया तो कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। अब एक पत्थर का कॉफिन दिखाया जाता है जो पेड़ की कटिंग के बाद वहां से मिला है। कैंग उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से भेज देता है और कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है जिसे देखकर वह डर जाता है और अपने सेक्रेटरी के साथ वहां से चला जाता है। कॉफिन शाइन करने लगता है। सैरा उनकी बताई जगह पर आ जाती है। गॉन्ग सियोनमी को घर जाने के लिए कहता है। सियोनमी पूछती है कि तुम मुझे कौन सी सैड न्यूज बताने वाले थे। गॉन्ग उसे बताता है कि रिची बुरी स्प्रिट बनने से पहले मरना चाहती है। सियोनमी पूछती है कि अभी वो कहां पर है। तभी सैरा ऊपर से नीचे गिर जाती है। गॉन्ग सियोनमी को टर्न करने नहीं देता। सैरा उसे ऊपर देखने का इशारा करती है। गॉन्ग को ऊपर देखते ही गुस्सा आ जाता है और वह ऊपर उन दोनों के पास ही आ जाता है और कहता है कि वो तुम लोग हो जो उसे मारना चाहते थे और गुस्से में उन्हें भी नीचे फेंकने वाला होता है। पर तभी सियोन में आकर उसे ऐसा करने से मना करती है जिसकी वजह से उसके हार्ट में पेन हो जाता है। सियोनमी उसका नाम लेती है। उसे फिर से पेन हो जाता है। वह सियोनमी को पास आने से रोककर वहां से चला जाता है। किलर्स भागकर नीचे आते हैं और सैरा को वहां ना देखकर कहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है। सियोनमी रोते हुए वैंग के पास आती है और कहती है कि गॉन्ग को मेरी वजह से चोट लगी है। गॉन्ग सैरा को अपने घर ले आता है और उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने के लिए कहता है और सियोनमी को याद करके कहता है कि शायद वो मुझे मार डालेगी। वैंग उसे बताता है कि तुम्हारे कहने पर वो नहीं रुका था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। सियोनमी कहती है कि गॉन्ग बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ कैसे हो सकता है। वैंग बताता है कि गैंगो की वजह से तुम्हारा प्यार उसे कमजोर कर रहा है, जिससे वह प्यार करता है सिर्फ वही उसे मार सकता है। गॉन्ग सैरा को ठीक कर देता है। सैरा कहती है कि मुझे फील हो रहा है सियोनमी सैड है। गॉन्ग कहता है कि ज़ॉम्बी ज्यादा बातें मत करो वरना जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। वह कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सैरा है। मुझे पीके को भी ये बात बतानी है, तुम भी जाकर सियोनमी से मिलो। जाते हुए सैरा गॉन्ग से कहती है कि टाइम आने पर मुझे इसी जगह पर मार देना। गॉन्ग के हाँ बोलने पर सैरा उसे थैंक यू बोलती है। पीके को सैरा की टेंशन होती है। वह उसे ढूंढने जाता है पर सैरा उसी के पास आ जाती है। किलर्स कैंग को बताते हैं कि वो लड़की मर गई थी और गायब भी हो गई। कैंग उसे दोबारा कॉल करके बुलाने के लिए कहता है। सियोनमी गॉन्ग से मिलने उसके घर आती है पर वह वहाँ नहीं होता। सियोनमी उसका नाम मिलने से डरती है कि कहीं उसे फिर से पेन ना हो जाए। सूर्यमडोंग भी वही जा सकता है जिसे गॉन्ग बुलाना चाहे। सियोनमी लिफ्ट में आकर कहती है कि प्लीज मुझे बुला लो, मुझे तुमसे बात करनी है। पर वहाँ कोई नहीं होता। सियोनमी सोचती है कि अब क्या करूं। तभी गॉन्ग लिफ्ट से आ जाता है और उसे बुलाता है। सियोनमी उसे देखकर उठते हुए गिर जाती है। गॉन्ग कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे पेन हुआ, अब तुम्हें हो गया तो हम इक्वल हैं। सियोनमी उसे हक कर लेती है और उसे चाय देते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारा नाम लिया था और तुम्हें पेन हुआ, अब मुझे डर लग रहा है। गॉन्ग पूछता है कि क्या तुम मेरा नाम नहीं लोगी, क्या गैंगो उतार कर डील तोड़ना चाहती हो। सियोनमी पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं गैंगो उतार दूं। गॉन्ग हाथ उसके आगे करता है। सियोनमी उसे उतारने वाली होती है पर रुक जाती है। गॉन्ग कहता है कि अभी तुम मुझे अच्छे से लाइक नहीं करती और सियोनमी को कुछ बोलने से पहले कहता है कि तुमने अच्छा किया, मेरी हर बात को सीरियसली मत लिया करो,
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद गॉन्ग चाय पीता है। सियोनमी ने गलती से उसमें चीनी की जगह नमक मिला दिया है। वह दूसरी चाय बनाने जाती है। गॉन्ग उसे देखकर डेथ बेल देखता है। सारा पीके को अपना रियल नेम बताती है। पीके कहता है कि तुम अब भी मेरी सिस्टर रिची ही हो। सारा का हाथ ठीक से काम नहीं करता तो पीके उसके लिए एनर्जी स्टोन्स लेने जाता है। कैंग सारा को कॉल करके बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रख रहा हूँ, तुम आकर मुझसे मिल लो। पीके एनर्जी स्टोन्स लेकर आता है पर सारा वहाँ नहीं होती। बैंक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है। उसे लगता है कि सब उसे सरप्राइज देने के लिए छुपे हुए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रिज भी खाली होता है। बाथटब में फ्लावर्स होते हैं। गॉन्ग ने सारा के लिए वहीं पर रख दिए थे। बैंक क्लीनिंग कर देता है। गॉन्ग के आने पर वह पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुमने क्लीनिंग क्यों नहीं की, ये घर आधा तुम्हारा भी है। गॉन्ग मार्केट से उसकी फेवरेट डिश लेकर आता है और कचरा फेंकने बाहर चला जाता है। वैंग खाना गॉन्ग के लिए भी सर्व करता है और कहता है कि तुम भी खाओ, क्या पता तुमने इसमें भी कुछ मिलाया हो। गॉन्ग मना कर देता है और बैठ जाता है। वैंग पूछता है कि क्या तुमने डेथ बेल के बारे में सैमजंग को बताया। गॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हें टेंशन हो रही है कि मेरे मरने के बाद तुम अकेले हो जाओगे। वैंग कहता है कि सपने मत देखो। गॉन्ग पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि पेड़ वाली स्प्रिट बुरी थी। वैंग कहता है कि तुम्हें रिलीज करके एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा। गॉन्ग कहता है कि फिर टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सारा कैंग के पास आ जाती है और पूछती है कि क्या तुमने ही मुझे मारा था। कैंग सॉरी बोलकर कहता है कि गलती से हुआ था, पर तुम हर बार जिंदा कैसे हो जाती हो। सारा पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। कैंग बताता है कि वहाँ पर है। सारा के अंदर जाते ही कैंग उसे वहीं लॉक कर देता है और कॉफिन के साथ उसे भी पानी में डालने के लिए कहता है। तभी कॉफिन शाइन करने लगता है। सारा आकर उसे टच करती है। तभी अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल। किलर्स अंदर चेक करने जाते हैं। वहां पर सारा न्यू लुक में होती है और दोनों को मार देती है। कैंग आकर चेक करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। सुबोरियो ने स्प्रिट के बारे में बताता है। वो स्प्रिट आसानियो है जो पेड़ के नीचे 1000 साल से लॉक थी। गॉन्ग पूछता है कि आसानियो कौन है। सुबोरी बताता है कि वो किंग की सर्वेंट थी, वो कोई नॉर्मल स्प्रिट नहीं है। उसे देखकर भी नहीं बताया जा सकता कि वो किस इंसान की बॉडी में छुपी है। वह लोगों का माइंड कंट्रोल करके उन्हें यूज भी कर सकती है। उसके पास किसी को भी किंग बनाने की पावर है। गॉन्ग कहता है कि ये काम वैंग ने किया है, इसके पॉइंट्स कट कर लो। वैंग उससे आर्ग्यू करता है। सुबोरी उन्हें चुप करके वैंग से आसानियों को ढूंढने के लिए कहता है। वैंग कहता है कि मेरे साइड इफेक्ट्स अभी ठीक नहीं हुए हैं, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। सुबोरी ये काम गॉन्ग को देता है। गॉन्ग एक्टिंग करके कहता है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, तुम्हें पता है मैं पहले जितना पावरफुल नहीं रहा। एक्टिंग करते करते दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। सुबोरी कहता है कि हेवन में मीटिंग है, मैं खुद देख लूंगा क्या करना है। घर आकर गॉन्ग कहता है कि तुमने ऐसा किया ही क्यों, और उसके स्टैचू को हिट कर देता है। वैंग उसे रोककर उसके स्टैचू को गंदा करता है। गॉन्ग कहता है कि सैमजंग को बीच में मत लाना, ये डेंजरस काम तुम खुद करोगे और मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला। वैंग कहता है कि वो सैमजंग के ब्लड से जिंदा हुई है और उसे ढूंढने भी जरूर आएगी, और स्टैचू गंदा करके चला जाता है। गॉन्ग को टेंशन हो जाती है। सियोनमी कैंग के बारे में पढ़ती रहती है। हिंजू बताता है कि जल्दी ही प्रेसिडेंट बनने वाला है। आसानियो सियोनमी के ऑफिस के बाहर होती है और डिलीवरी मैन को हिप्नोटाइज करके सियोनमी के लिए फ्लावर्स भिजवाती है। हिंजू कहता है ये जोनाथन ने भेजे होंगे। सियोनमी उन्हें वास में लगाती रहती है। तभी उसका हाथ कट हो जाता है और ब्लड रोज पर गिर जाता है। वह ब्लड आसानियो के पास आ जाता है। वे उसे टेस्टी बताती है। सियोनमी बैंडेज ढूंढती रहती है। रोज पेटल्स उठने लगते हैं। तभी गॉन्ग उन्हें रोक देता है। सियोनमी वापस आती है पर वहाँ फ्लावर्स नहीं होते। सियोनमी सोनयुक से कहती है कि क्या तुम्हारा भाई यहाँ से फ्लावर्स ले गया। गॉन्ग ऑफिस के बाहर भी फ्लावर्स देखकर कहता है कि शायद उसे रोज पसंद है। जब तक सुबोरी मीटिंग में है तब तक उसका काम वैंग हैंडल करेगा। योंग चेक करके बताती है कि आज इस इंसान को सजा देनी है। वो आदमी वहीं पर होता है। वैंग उससे उसका फोन लेकर तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से
97 लोगों ने सुसाइड की है। उसकी लिस्ट और भी लंबी होती है। वैंग उसे पनिशमेंट देता है कि तुम यहाँ से नीचे गिरोगे, 9 दिन बाद तुम्हें बचाया जाएगा, मरोगे नहीं पर दर्द बहुत होगा। वह सॉरी बोलता है पर वैंग उसे नीचे गिरा देता है। जाते हुए वैंग कहता है कि गॉड बनने के बाद ये सब काम मेरे होंगे। तभी उसे चायुन रोते हुए दिखती है। वैंग उसके पास जाने वाला होता है पर योंग उसे याद दिलाती है कि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वरना अगली लाइफ में उसे और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वैंग रुक जाता है और उसे दूर से ही देखता रहता है। उसके बाद वह उसकी पेंटिंग देखने आता है। वहाँ आसानी पहले से होती है। वैंग उसे रिची ही समझता है और कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हें चोट लगी है, एनर्जी स्टोन ले जाओ। आसानी उसे थैंक यू बोलकर पूछती है कि क्या तुमने इस प्रिटी लेडी को ढूंढ लिया। वैंग बताता है कि आज मैंने इसे रोते हुए देखा। वे कहती है कि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते पर मैं हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि ना मैं इंसान हूँ और ना मॉन्स्टर, तो हेवन को कुछ पता नहीं चलेगा। वैंग कहता है कि हेवन को बेवकूफ बनाना इजी नहीं है। आसानी उसे बाय बोलकर चली जाती है। बाहर योंग पूछती है कि तुमसे स्मेल क्यों नहीं आ रही है। वे कह देती है कि मैंने परफ्यूम चेंज किया है। योंग रोजेस की स्मेल को अच्छा बताती है। रास्ते में उसे पीके और जेड ड्रैगन भी मिलते हैं, पर उन्हें शूट पर जाना है तो पीके उसे बाद में मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। आसानी कहती है कि रिची से सब प्यार करते हैं। मुझे सैमजंग की बॉडी में होना चाहिए था। बाहर आने पर उसे गोंग भी मिलता है। वे बताती है कि वैंग ने मुझे एनर्जी स्टोन्स दिए हैं। गोंग उसे देखता है कि तुम्हें ठीक करने में मेरी पावर्स यूज हुई हैं, इनकी जरूरत मुझे है, और जाते हुए उसे रोज देकर कहता है कि ये मुझे सड़क पर मिला था। तुम्हें फ्लावर्स पसंद है ना, मुझे तुम्हें जलाना भी है, अब तो तुम रिची नहीं हो। और उसके शौक होने पर कह देता है कि तुम अब सैरा हो और बाय बोलकर चला जाता है। आसानी कहती है कि अगर मैं सैमजंग बन जाऊं तो ये भी मेरा हो जाएगा। गोंग वैंग के पास आकर पूछता है कि क्या तुमने उसे पहचाना। वैंग पूछता है कि किसे। गोंग बताता है कि रिची की बॉडी में आसानी है, वो यहाँ करने के आई थी। वैंग पूछता है कि क्या तुमने उसे हैंडल कर लिया। गोंग कहता है कि मैं उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता, वो बहुत स्ट्रांग दिख रही थी। वैंग काम डिवाइड करने के लिए कहता है। गोंग कहता है कि मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा, तुम पता करो उसे वापस लॉक कैसे किया जा सकता है। और जाते हुए वहीं बैठकर पूछता है कि वो सबसे पहले तुमसे ही मिलने क्यों आई थी, क्या तुमने उसके साथ कोई डील की। वैंग बताता है कि वो एनर्जी स्टोन्स लेने आई थी। थोड़ी देर बाद वैंग कहता है कि आसानियों का चाहे उनकी हेल्प करने वाला ऑफर अच्छा था। योंग पूछती है कि क्या तुम गोंग को धोखा दोगे। वैंग हाँ बोलकर उसे कॉन्ट्रैक्ट रेडी करने के लिए कहता है। जोनाथन यूएस वापस जाने से पहले सियोनमी को बाय बोलने आया है। सियोनमी उसे फ्लावर्स के लिए थैंक यू बोलती है। जोनाथन मना करके उसे एक गिफ्ट देता है जिसमें एक नेकलेस होता है जिसका मतलब है हैप्पी एंडिंग। सियोनमी नेकलेस को प्रिटी बताकर वापस रख देती है और कहती है कि मेरी लव वेल कहाँ गई। फिर हैन गोंग को बताती है कि सैमजंग उसे लव वेल समझती है। गोंग कहता है कि उसे सच मत बताना, यही समझने दो वरना वो सैड हो जाएगी। घर पर आसानी यून से सैमजंग का फेवरेट खाना बनाकर पैक करने के लिए कहती है। कैंग कॉफिन को पानी में फेंकने के लिए बोलकर जाता है और वहां पर रोज बैटल्स देखता है। वर्कर योंग को बताता है कि हमें स्टोन कॉफिन मिला था। योंग और वैंग उनकी बताई जगह पर आते हैं पर कॉफिन वहां नहीं होता। कैंग उसे अपने घर ले आता है और कहता है कि वो इसे ढूंढने यहाँ आएगी। सैरा सियोनमी से मिलने आती है और उसे साथ में खाना खाने के लिए कहती है। आसानी गोंग के बारे में पूछती है। वह कहती है कि मेरे बुलाने पर उसे चोट लग गई थी। वह कहती है कि उसे ज्यादा मत बुलाया करो और सियोनमी के हाँ बोलने पर कहती है कि उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। अब फ्लावर लेकर उसे हिप्नोटाइज करने वाली होती है। वह गोंग आकर उसे हिट कर देता है कि मेरे बिना तुम लोग खाना कैसे खा सकते हो, तुम्हें आने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। आसानी उन्हें साथ में खाना खाने के लिए भूल कर जाती है। वह गोंग उसे पकड़ कर वहीं बैठा देता है और सियोनमी के पास रखे रोजेस को डस्टबिन में डाल देता है। सियोनमी ऐसा करने का रीजन पूछती है। वह कहता है कि तुम इतनी प्रिटी हो, तुम्हें फ्लावर्स की जरूरत नहीं है, और उसके हाथ में लगी चोट को ठीक करके कहता है कि अपना ध्यान रखा करो। आसानी उन्हें देखती है। वैंग कहता है कि गोंग आसानियों को ज्यादा देर सैमजंग के पास नहीं रखेगा, उसे अपने घर ले जाएगा और उसके बाद आसानी अपना काम करेगी। पर आसानियों को क्या चाहिए। गोंग उसके पास आकर कहता है कि हमें चलना चाहिए,
मैंने तुम्हें जलाने का प्रॉमिस किया था। वह कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। गॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, चुपचाप मेरे साथ चलो। और सियोनमी से कहता है कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ और उसे लेकर चला जाता है। सियोनमी उसका वेट करती रहती है। तभी वैंग उसके घर आ जाता है और कहता है कि आज गॉन्ग को मत बुलाना, उसे एक प्रॉब्लम से डील करनी है। असानियो गॉन्ग के साथ होती है। गॉन्ग कहता है कि 1000 साल बाद बाहर आई हो, जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। पर वैंग तुम्हारा कॉफिन ढूंढने गया है। वे पूछती है कि क्या सच में तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। गॉन्ग पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। असानियो कहती है कि मुझे सैमजंग बनकर तुम्हें अपना बनाना है, अब से तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। गॉन्ग हंसकर कहता है कि मैं आजकल ज्यादा पॉपुलर हो रहा हूँ, तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। असानियो उस पर मैजिक यूज करके कहती है कि मैं स्प्रिट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, अब तुम मेरे हो।